अच्छा, फाइंड के बाद अगला जो है वो हमारे पास इरेज का फंक्शन है। इरेज का फंक्शन जो है वो इसके अंदर लिस्ट हमारे पास कांस्टेंट होगी या नहीं? नो सर, हम तो इसमें रेस इरेज का करेंगे सर। फंक्शन क्या करेगा? एक वैल्यू लेगा और उसको लिस्ट में से जो है वो इरेज करेगा। कांस्टेंट ही वो करना है, और फिर कांस्टेंट आइटरेटर भी नहीं ले सकते। आइटरेटर भी जो है वो हमें रीड राइट ऑपरेटर लेना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम लोग वैल्यूज को जो है वो रिमूव कर सकें। वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट ही होगी, इस वैल्यू को हम लोगों ने जो रिमूव करना है। तो आइडिया वही होगा कि हम लोग उस वैल्यू तक अगर पहुंच जाते हैं तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, क्या करना है यहाँ पे, क्या कोड होगा? सर, ये आइटरेटर इरेज वाले फंक्शन को पास करते हैं उसके जो अंदर इंप्लीमेंटेड है पहले से। ओके, आइटरेटर बेसिकली जब हम लोगों ने लेट से अगर 7 को डिलीट करना है, हम लोग उस जगह तक पहुंच के है ना, हम लोग उस नोड तक पहुंच के, तो हम लोगों ने क्या किया कि अब आइटरेटर उस नोड को पॉइंट करा जिसमें 7 पड़ा हुआ है। तो इरेज के फंक्शन को वो आइटरेटर पास कर दिया, वो पॉइंटर पास कर दिया। लिस्ट का फंक्शन क्या करेगा कि उसको रिमूव करेगा और उसके आगे पीछे वाली जो हमारे पास नोड्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देगा। तो दिस इज प्रीटी मच इट, मतलब वो उसी तरह हमारे पास फाइंड की तरह ही है। सिर्फ यह कि इरेज के अंदर हम लोग रिटर्न ट्रू कराने से पहले एल डॉट इरेज कर देते हैं, और पैरामीटर को हम लोगों ने नॉन कॉन्स्टेंट कर दिया, आइटरेटर को हम लोगों ने नॉन कॉन्स्टेंट कर दिया, बाकी चीज़ हमारे पास सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे 7 मिल गया था, हमें पता है लिस्ट में 7 पड़ा हुआ है, तो हम लोग एल डॉट इरेज और फिर सॉरी इरेज का फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं और इसको लिस्ट पास कर रहे हैं और वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू में हमारे पास 7 पड़ा हुआ है, तो चले हम लोग इसी तरह इसी को कर लेते हैं। अगर इरेज हो जाती है वो वैल्यू तो हम लोग कह देते हैं कि डिलीटेड, और अगर हमारे पास जो है वो वैल्यू नहीं मिलती तो हम लोग कह देते हैं कुडंट डिलीट दैट वैल्यू। ठीक है, तो ये अब हमारे पास मतलब अब ये है कि हमने अपनी जो एडिटी इंप्लीमेंट की थी उसके अंदर ये दोनों फंक्शंस हमारे पास एडिटी का हिस्सा थे। हम लोगों ने अब क्या किया कि जब एसटीएल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इरेज का फंक्शन उस तरह नहीं काम कर रहा जैसा हम लोग ने अपनी एडिटी की इंप्लीमेंट किया था, और फाइंड का फंक्शन वैसे ही हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लोगों ने जो है वो क्या किया कि अपना फंक्शन जो है लिख लिया, जो एक लिस्ट लेता है वैल्यू लेता है उसको फाइंड करता है या इरेज करता है। तो अब देखो डिलीट उसे मिल गया इरेज के फंक्शन को, उसने डिलीट कर दिया, और फिर उसके बाद जब हम लोगों ने फाइंड 7 किया तो हमें वो उसने कहा कि 7 जो है वो नहीं मिला। तो इसके बाद अगर हम लोग लिस्ट को डिस्प्ले करते हैं तो हमें 7 के अलावा बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन आप लोगों का?